दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा सर्टिफाइड योगा टीचर एक्यूप्रेशर में एमडी हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार हम फिजिकल फिट रहने के लिए अपनी ईटिंग हैबिट्स को बदल सकते हैं। हमें अच्छी ईटिंग हैबिट्स को अपनाना है, चाहे हम एक एथलीट हों, चाहे हम फिट रहना चाहते हों, निरोग रहने के लिए हम कोशिश कर रहे हों। हमारी जो कोशिश है वो होनी चाहिए अच्छी ईटिंग हैबिट्स को अपनाने की। जो कुछ आप खाते हो उसका आपके हेल्थ के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरा असर पड़ता है। आइए इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी डाइट को इम्प्रूव करेगी, आपकी फिटनेस को बढ़ाएगी, आपको निरोग और ऊर्जावान रखेगी। हमारे दिन की शुरुआत एक बैलेंस नाश्ते से होनी चाहिए। यदि हमारा नाश्ता पोषक है, पोषक तत्वों से भरपूर है, तो वो हमें इतनी एनर्जी दे सकता है कि हम सारा दिन मेहनत कर सकें और अपने काम के ऊपर भी फोकस कर सकें। इसके लिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे नाश्ते में प्रोटीन की भरपूर मात्रा हो, उसके अंदर होल ग्रेन शामिल किए गए हों और उसके अंदर हेल्दी फैट का उपयोग भी किया गया हो। इसके लिए हम होल ग्रेन टोस्ट ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं और हमारे खाने में एक हेल्दी फैट, हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है हेल्थ गार्ड। ये हमारे भोजन को पूर्ण रूप से पोषक बना सकता है। खाने में हमारा फोकस होल फूड के ऊपर होना चाहिए। जब हम हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो जो होल फूड है वो हमारा एक आवश्यक पार्ट हो सकता है। ये ऐसा भोजन है जो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, जैसे ताजे फल, सब्जियां, होल ग्रीन्स, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो बाजार के प्रोसेस्ड फूड हैं हम उनसे बचें, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी होती है, अनहेल्दी फैट होता है, आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। ये जो फास्ट फूड है इस प्रकार की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। प्रोटीन हमारे भोजन का आवश्यक अंग होना चाहिए क्योंकि प्रोटीन आवश्यक है हमारे मसल टिश्यूओं को बनाने के लिए भी और उनकी रिपेयर करने के लिए भी, और ये जो मसल्स हैं इन्हीं के द्वारा हमारी फिजिकल फिटनेस का पता चलता है। इसलिए हमें ये बात सुनिश्चित करनी है कि हमारे भोजन में जो लीन प्रोटीन है वो शामिल होना चाहिए, जिसके लिए हम बीन्स खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे शरीर के प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन प्रतिदिन अवश्य करें। अच्छी सेहत और अच्छी फिजिकल परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। एक दिन में हमें कम से कम 8 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। यदि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या गर्म मौसम में रहते हैं तो और ज़्यादा मात्रा में हमें पानी का सेवन करना चाहिए। हम पानी जो प्राप्त कर सकते हैं वो पानी के अलावा हम हर्बल चाय पी सकते हैं, हम कोकोनट वाटर का सेवन कर सकते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, जैसे पपीता है, जैसे खरबूजा है। इसी प्रकार से अधिक पानी वाली सब्जियों का सेवन करके भी हम वाटर कंटेंट को मेंटेन कर सकते हैं। हमें ज़्यादा मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। फल और सब्जियों में विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाले नुकसान से हमें बचाते हैं और हमें सेहतमंद रहने में सहायता करते हैं। हमारे भोजन के अंदर हर रंग के फल और सब्जियां शामिल होनी चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, बेरीज हैं, खट्टे फल हैं जैसे संतरा, और इसी प्रकार की ब्रोकली और गोभी जैसी वेजिटेबल्स भी हमारे भोजन में शामिल होनी चाहिए। डिब्बाबंद पेय पदार्थों से बचिए, जिसके अंदर कोका कोला है या सोडा है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी मिलाई जाती है और ये खाली कैलोरीज देने वाले पदार्थ हैं। इनके द्वारा हमारा वजन भी बढ़ सकता है और हमें बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना भी
करना पड़ सकता है। इसकी बजाय हमें पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, बिना मीठे की चाय पीनी चाहिए। इसके अतिरिक्त फ्रेश फ्रूट का जूस हमें पीना चाहिए। यदि महंगा जूस नहीं पी सकते तो हम नींबू पानी पी सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। अच्छी डाइट का सेवन करने के लिए हमें उसकी एडवांस में प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हमें सप्ताह के शुरू में ही कुछ समय लगा करके ये प्लानिंग करनी चाहिए कि मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और मैं अपने भोजन को समय से तैयार किस प्रकार करूँगा। ये जो ऑप्शन है, इसके द्वारा हमें हेल्दी भोजन मिलेगा, हम बाजार के फास्ट फूड, स्पाइसी फूड से बच जाएंगे। हमें शांत चित्त होकर के शांत स्थान पर बैठ करके परिवार के साथ भोजन करना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा खाने से बच सकें और हमें ये पता लग जाए समय पर कि हमारा पेट अब भर गया है। हम जिस वातावरण में खाना खाएं उसके अंदर टीवी या मोबाइल की डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जो प्रोसेस्ड फूड हैं, वो जो बने बनाए खाना बाजार में आता है, हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अनहेल्दी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, वो हमारी सेहत में प्रॉब्लम पैदा करने वाला हो सकता है। हमें होटल के खाने से बचना चाहिए और हमारा ये निर्णय होना चाहिए कि मैं घर में बना ताज़ा खाना खाऊंगा। यदि आपको आज की मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैट बॉक्स में जा करके इस वीडियो के बारे में अपने विचार लिखिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।